कि ये नीतीश कुमार का दरअसल एक राजनीतिक मैसेज है कि तय कर लिया कि वो महागठबंधन में वापस जा रहे हैं और आगे चल के नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा ही नहीं बने बल्कि उन्होंने भाजपा को विपक्ष में बैठाने की भी एक तैयारी कर दी। कांग्रेस बार बार नीतीश कुमार के चेहरे को नकार दे रही है। आसपास के जितने भी गैर भाजपा राज्य हैं इन सब ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार के सियासत के पर्दे के पीछे जो खबरें होती रहती हैं उनको आप तक पहुंचाने का इसमें काम किया जाता है। दरअसल नीतीश कुमार पिछली बार महागठबंधन में आने से पहले उन्होंने एक साइन दिया था। नीतीश कुमार इफ्तार के दौरान, तेजस्वी यादव के इफ्तार के दौरान उनके आवास पहुंचे थे। वहां महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ उन्होंने शिरकत की थी। मांझी जी और अन्य नेताओं के साथ बैठकर उन्होंने इफ्तारी भी की और साथ ही साथ ये पैगाम भी दे दिया था कि महागठबंधन हो या फिर NDA, अगर किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाएगा और अगर सामाजिक सौहार्द को लेकर वो कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ नीतीश कुमार की उपस्थिति अपने आप हो जाएगी। आपको ये भी बता दें, जब ये बात बता रहे थे कि जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया था उससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चाचा से बात हो गई है, वो बहुत जल्दी हमारे साथ आ रहे हैं। इस मामले पर नीतीश कुमार और जदयू ने काफ़ी दिन तक चुप्पी साधी, लेकिन तब भी विश्लेषण में हमने पंचनामा में आपको बताया था कि ये नीतीश कुमार का दरअसल एक राजनीतिक मैसेज है, ये भाजपा को मैसेज है। कई दौर की बातचीत के बाद भाजपा के जो पूर्व प्रभारी रहे हैं या फिर वर्तमान प्रभारी थे उन सब से बातचीत करने के बाद भूपेंद्र यादव के साथ कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया। धर्मेंद्र प्रधान से भी बातचीत करने के बाद कोई रास्ता निकलने नहीं गया। उसकी वजह से नीतीश कुमार ने अंततः ये तय कर लिया कि वो महागठबंधन में वापस जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने इफ्तार के उस कार्यक्रम से की जहां तेजस्वी ने उन्हें एक कैजुअल न्योता दे दिया था। तेजस्वी भी बड़ा अचंभित रहे जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद धीरे धीरे करके नीतीश और तेजस्वी की नज़दीकियाँ बढ़ी और आगे चल के नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा ही नहीं बने बल्कि उन्होंने भाजपा को विपक्ष में बैठाने की भी एक तैयारी कर दी। आज भाजपा यदि विपक्ष में बैठी हुई है तो उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार का उन्हें छोड़ देना है। लेकिन उससे भी पहले जरा चलिए, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच आया कौन? नीतीश और भाजपा के बीच तेजस्वी यादव का इफ्तार आया। अब फिर जब से सरकार बनी है, हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश के चेहरे पर असहजता साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनके पार्टी के कई नेता, नीरज कुमार ने तो खुलकर राजद के कई बयानों को आड़े हाथों लिया है। चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान हो या फिर सुधाकर सिंह हो जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं, इन सभी के बयानों के इतर भी तेजस्वी यादव पर लगातार जो लांछन आरोप लग रहे हैं, CBI ED का चक्कर काटना पड़ रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश के कुर्सी के उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं और इसको लेकर जो राजद की पूरी टीम है वो एक नैतिक दबाव बना रही थी नीतीश कुमार पर, इन सब से नीतीश कुमार की असहजता बढ़ रही थी। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार के पास आगे बढ़ने का, खुद के प्रमोशन कराने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कायदे से नीतीश कुमार को अब तक देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के नेताओं द्वारा एक लॉन्च पैड मिल जाना चाहिए था, एक बड़ा रैली हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया। इसका कारण है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कांग्रेस अब तक कोई पुख्ता रणनीति नहीं बना चुकी है। कांग्रेस बार बार नीतीश कुमार के चेहरे को नकार दे रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष के सारे दल भी ऐसा ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव को छोड़ दिया जाए तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है कि बिहार की कुर्सी खाली होगी तो तेजस्वी उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन आसपास के जितने भी गैर भाजपा राज्य हैं इन सब ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास उस कुर्सी पर जाने का अब कोई रास्ता बचता नहीं है, समय भी कम रह गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन अब डोलने लगा है, तेजस्वी यादव से पीछा छुड़ाने का मन कर रहा है। कुछ लोग तो ये चर्चाएं करने लगे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर आए नहीं थे बल्कि भाजपा के कहने पर आए थे और वो एक रणनीति सुनियोजित बनाकर ही आए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने की एक रणनीति बना रखी थी। यादवों के वोट बैंक को भाजपा काफ़ी दिनों से साधना चाहती थी, इसके लिए उसने बिहार में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय इन लोगों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा। अब
भाजपा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर चल रही है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के प्रमोशन के साथ साथ ये बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा अब किस वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है। लेकिन जहां भाजपा की अपनी रणनीतियां हैं, वहीं नीतीश कुमार का भी एक सर्टेन वोट बैंक पर प्रभाव बनाने का एक तरीका बना। तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद उन्हें लगा था कि यादव वोट बैंक खुलकर उनके साथ आएगा, हालांकि कुर्नी और गोपालगंज में परिस्थितियां विपरीत दिखी, जिसके बाद नीतीश कुमार की असहजता और बढ़ी और ये कॉन्फिडेंस नीतीश लेकर आए थे महागठबंधन में वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ। अब नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है कि वो यहां से आगे तभी बढ़ सकते हैं जब उनका जनाधार, उनके विधायकों की संख्या बढ़ सके और इसके लिए उन्हें चुनाव में जाना होगा और कोई रास्ता दिखता नहीं है। नीतीश के विधायकों पर भाजपा की भी नज़र है, राजद की भी नज़र है, नीतीश के सांसदों की बातचीत भाजपा से हो रही है। ऐसे में नीतीश के पास एक दबाव पड़ रहा है राजनीतिक कि वो जल्द से जल्द फैसला ले, या तो तेजस्वी का प्रमोशन करें या भाजपा के साथ वापस चले जाए। तो नीतीश कभी भी अपने तरीके से इन चीज़ों को पहल बातचीत के तौर पर खुद नहीं करते हैं। नीतीश जहां एक तरफ ललन सिंह के माध्यम से भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं बताया जाता है कि हरिवंश के माध्यम से वो भाजपा से नेगोशिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि 2024 में भी भाजपा काफ़ी मजबूत है और ख़ासतौर पर जब विपक्ष उसके सामने काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है और कांग्रेस में अब तो राहुल गांधी के सत्ता समाप्त होने के बाद एक भूचाल सा आ गया है। ऐसे में जो साझा विपक्ष की कल्पना थी वो कहीं ना कहीं विफल नज़र आती है, तो इस विपक्ष के लफड़े में ना पड़कर वो सीधे भाजपा से नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं तो रास्ता कोई बनता नहीं है। तो इसी को रास्ते को खोलने के लिए कल एक कैजुअल इनविटेशन पर वो संजय मयूख के यहाँ छठ के खरना का प्रसाद खाने पहुँच गए। संजय मयूख भाजपा के MLC हैं, MLC होने के अलावा बिहार में वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं, सारी बातें पहुंचाते हैं उन तक, सारी बातों पर मुहर लगाते हैं और कहीं ना कहीं जो मैसेज अमित शाह और बाकी लोग देते हैं दिल्ली से, उन मैसेजेस को यहाँ कार्यकर्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार उन्हें लीड लेते हुए, इस बार भी जब सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई तो किसी और ने नहीं की, उन्होंने ही की। ऐसे में नीतीश कुमार का उनके माध्यम से फिर से एक बार भाजपा के साथ आना क्या दर्शाता है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, लेकिन भाजपा के कुनबे में नीतीश कुमार की एंट्री इतनी जल्दी हो जाना, आप यदि इसे इस तरह समझते हैं कि ठीक है कार्यक्रम है जिसमें चले जाना चाहिए तो नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो आप गलत होंगे। नीतीश कुमार कभी भी छोटी राजनीतिक घटनाएँ नहीं करते हैं। अगर वो शादी ब्याह में भी जाते हैं किसी के, या किसी के इन्विटेशन में भी पहुँचते हैं, तो उसमें एक राजनीतिक पूरा मनसा होता है। तेजस्वी के इफ्तार में पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी देर तक पैदल चलने की भी कोशिश की और तब वो वहाँ तक पहुँचे। यानी कहीं ना कहीं मैसेज नीतीश कुमार अपने इन राजनीतिक एक्टिविटीज़ से देते हैं, गैर राजनीतिक एक्टिविटीज से भी देते हैं। ऐसे में कल खरना का प्रसाद खाने उनका भाजपा के कुनबे में चला जाना भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर है। भाजपा के नेता दबी जुबान में अब ये चर्चा करने लगे हैं कि चूंकि सम्राट चौधरी को आगे करके और RCP और उपेंद्र कुशवाहा को तोड़कर नीतीश को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है भाजपा ने, और अब तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का मन पलट गया है। एक बड़ी राजनीतिक चर्चा ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार दरअसल कभी भाजपा से अलग हुए नहीं थे, बल्कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक यादवों को अपने पाले में, ओबीसी को अपने पाले में करने की उनकी एक रणनीति थी जिसमें बहुत सफल नहीं हो पाए और उन्होंने सुनियोजित तरीके से ये करने की कोशिश की थी और उन्हें भाजपा के साथ दरअसल चुनाव तो 2024 तक चला ही जाना था और उन्हें बस केवल तेजस्वी यादव के जेल जाने का इंतज़ार था और ये कहीं ना कहीं जायज़ लगता भी है वर्तमान परिस्थितियों में। हालांकि ये सब एक राजनीतिक कयास है, इन पर अभी फिलहाल चूँकि मुहर नहीं लगी है इसलिए इन चर्चाओं को केवल चर्चा ही कहा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार का राजनीतिक पैटर्न अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि नीतीश कभी भी इन रणनीतियों को केवल हवा में उछालते नहीं हैं, बल्कि ज़मीन तक उतारने तक की प्रक्रिया में पूरी तरीके से अपने आप को छुपाकर काम करते रहते हैं। और आज जब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की, CBI ED का लगातार छापा पड़ रहा है, एक राहत की खबर जरूर मिली कि उनकी एक पुत्री हुई है, लेकिन लालू परिवार की समस्याएँ समाप्त नहीं हुई हैं। कल भी सुशील मोदी और बाकी नेताओं ने कहा कि अब राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव की बारी है, भले वो कह दें कि वो झुकेंगे नहीं लेकिन उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें चाहेंगे कि उनके चेहरे पर भी दाग लगे, छींटे पड़े। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास रास्ता तो एक ही बचता है, और अगर इस रास्ते पर नीतीश चल चुके हैं खरना के प्रसाद खाकर, तो मान के चलिए कि इफ्तार से महागठबंधन, तो छठ के खरना से एनडीए में उनकी एंट्री तय लग रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।